राजस्थान यूटीपी कार्मिक संघ की ओर से आज राजस्थान के कोविड-19 वैश्विक महामारी में यूटीवी नर्सेज पर लगाए गए संविदा रूल्स 2022 को शामिल करने की मांग की है। कार्मिक संघ के बैनर तले पदाधिकारियों ने कहा कि 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन जारी है, जिसमें मुख्य मांग कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले CHA को हटा दिया गया था। इस सभी को वापस लगाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन उन्हें नहीं लगाया जा रहा। इसे लेकर लगातार धरना जारी है। इसके साथ ही अलग अलग समस्याओं को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है और इसे लेकर गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के तत्वाधान के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा जी के नेतृत्व के अंदर समस्त राजस्थान, उनके आह्वान पर समस्त राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए 11 सूत्री नर्सेज की मांगों को लेकर के आज ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कलेक्टर पर, ब्लॉक स्तर पर। मैं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते आज मैं अजमेर कलेक्टर पर 11 सूत्री मांगों को लेकर आया। उसमें हमारी प्रमुख मांग है CHA की, जो लगातार धरना जारी है और अभी तक हमारी जो सेवा बहाली नहीं की गई है। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है नर्सेजों का जो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जो हमारे पद आने चाहिए वो 6,000, नर्स ग्रेड 2 के 12,000 और ANM के लगभग 8,000 पद आने चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा CHA को लेकर के आश्वासन दिया गया कि उनकी सेवा बहाली की जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी सेवा बहाली नहीं की गई है। किरोड़ी लाल मीणा जी के नेतृत्व में आज भी हमारा ज्ञापन, हमारा जो धरना है वह जयपुर में चल रहा है और लगातार जो सरकार है वो हमारे को आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही है, लेकिन अभी तक हमारी जो सेवा बहाली है वो नहीं की गई। यदि हमारे जो मांगे हैं उन पर यदि सरकार जल्द से जल्द बजट सत्र तक यदि हमारी बातों को नहीं मानती है तो समस्त नर्सेज राजस्थान की सड़कों पर उतरेगी। अभी तक हमारा जो आंदोलन है वह गांधीवादी तरीके से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। 30 तारीख से हमारा जो आंदोलन है वह क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। यदि हमारी बातों को नहीं माना गया तो यह है समस्त राजस्थान की नर्सेज सड़कों पर उतरेगी। इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मैं कशिश कछावा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन।